हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूँ खास प्रोग्राम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको एक बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, वो ये कि अभी हाल ही में 15 मार्च को दिल्ली पुलिस ने गांधी पीस फाउंडेशन में एक कश्मीर के सिलसिले में एक डिस्कशन था, उसको कैंसिल कर दिया, वो प्रोग्राम नहीं होने दिया। इस तरह के वाकयात दिल्ली में और मुल्क के दूसरे हिस्सों में बढ़ते जा रहे हैं। मुश्किल ये है कि इस वक्त जो कोई सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, जो कोई देश को मिलाने की बात कर रहा है, जो नफरत के खिलाफ बात कर रहा है, उन जबानों को बंद किए जाने की कोशिश है। इसी सिलसिले में जो कुछ अब जो ये वाकया हुआ है, इससे जुड़े हुई एक शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं, वो हैं प्रोफेसर नंदिता नारायण। वो इस वक्त सेंट स्टीफन कॉलेज में मैथमेटिक्स की प्रोफेसर हैं और एक लंबे अरसे से टीचर्स की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है, जिसे डूटा कहा जाता है, उसमें प्रेसिडेंट के तौर पर भी एक्टिव रही हैं। उसके अलावा अब एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट DTF उससे भी जुड़ी हुई हैं और बहुत ही सरगर्म खातून है, जो मुल्क के लिए सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और उन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए काम कर रही हैं, जो अब ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की तादाद कम हो रही है। मोहतरमा प्रोफेसर नंदिता नारायण, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि इस वाकये में क्या कुछ हुआ। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, आजकल इस किस्म की रिपोर्टें कम से कम जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, अब से पहले गोदी मीडिया सिर्फ टेलीविजन को समझा जाता था, अब प्रिंट मीडिया में भी बहुत सी खबरें नहीं आने दी जाती। आप इस वाकये को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, ऐसा है, हम लोग एक 32 करीब संगठन एक साथ जुड़े हैं, कई इश्यूज पे जो डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और सोशल जस्टिस के मायने में इम्पॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, उन पे हम कार्यक्रम करते हैं, कई बार यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के बाहर भी। तो ये कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन इसको कहते हैं। और मेरा जो संगठन जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, DTF, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेवल पे टीचर्स के बीच में और स्टूडेंट्स के साथ मिलके हम लोग एजुकेशन पॉलिसी पे, जो हमारी एकेडमिक वैल्यूज हैं, एकेडमिक जो हमारी पॉलिसीज हैं, उनके बारे में कैंपेन करते हैं, और जो सोशल जस्टिस के मसले और सेक्युलरिज्म वगैरह के मसले, इन सब पे हमारे एक कोशिश होती है कि टीचर्स के बीच और स्टूडेंट्स के बीच में चर्चा रहे, क्योंकि ये डिस्कशन, डिबेट और क्रिटिकल एनालिसिस ही हमारे एक, मतलब जैसे कि डेमोक्रेसी की आत्मा है, और उसको जिंदा रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम अपनी डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो भी कभी कभी कार्यक्रम करते हैं, अभी हाल में कई कार्यक्रम हुए हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेके, जहाँ पे बहुत सारे हमारे स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स और सोशल जस्टिस के एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, इनको बिना कोई एलिगेशन साबित किए या कोई भी ठोस एलिगेशन के इनको जेलों में बंद किया गया उनकी रिलीज के लिए। और UAPA जैसे कानून जो बर्डन ऑफ प्रूफ इनोसेंट पे डालते हैं कि आप पहले अपनी इनोसेंस प्रूफ करो, जो बहुत मुश्किल होता है, उनको बिना ट्रायल के कितने सालों तक जेलों में रखा जा रहा है, उसके खिलाफ भी हमने अपनी आवाज उठाई है। तो इस तरह के कार्यक्रम हम करते हैं। और इस बार ये लोगों को लगा कि क्योंकि कश्मीर से हमें कोई खबर आ नहीं रही है कुछ सालों से, और हाल में बहुत ज्यादा क्लैंप डाउन हुआ है वहां पे, वहां पे प्रेस क्लब को भी एक तरह से कैप्चर कर लिया गया, वहां पे आवाजें दबाई जा रही हैं, पूरे देश में जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक है और खास तौर से कश्मीर में, तो हमें लगा कि कश्मीर पे थोड़ा फोकस करके, ताकि वहां पे जो लोग जानकार हैं, जैसे वहां के रिटायर्ड जस्टिस और वहां के जो प्रोमिनेंट फिल्म मेकर्स, जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके कम से कम हम लोगों को जानकारी हासिल करनी चाहिए और लोगों के बीच में रखनी चाहिए कि वहां पे हो क्या रहा है। आखिर वो हमारे देश का ही हिस्सा है और उनके सिटीजन, वहां के जो रहने वाले हैं वो हमारे देश के सिटीजन हैं, उनको भी वही हक मिलने चाहिए हमारी डेमोक्रेसी में।
जो सबको मिलते हैं। तो इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया था गांधी पीस फाउंडेशन में। 28 तारीख को हमारा एक संगठन, जो हमारे संगठन का एक हिस्सा है यूथ फॉर स्वराज, उनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि आप गांधी पीस फाउंडेशन से बुकिंग करें इस कार्यक्रम के लिए। तो 28 को उन्होंने ये अर्जी दे दी थी और सारे डिटेल्स शेयर कर दिए थे कि किन किन स्पीकर्स को आने की संभावना है और हम कौन कौन से संगठन इसमें शामिल हैं। उन्होंने इजाजत दी थी और ये कार्यक्रम फिर एडवर्टाइज कर दिया गया, पोस्टर बना और स्पीकर से बात हुई, कॉन्फर्मेशन लिया गया। इस सारे की जानकारी होने के बावजूद पुलिस को भी जरूर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होगी। इसके लिए हमें वैसे पुलिस से परमिशन की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये एक इंटरनल ऑडिटोरियम के अंदर का प्रोग्राम होता है। अगर हम सड़क पे करें प्रोग्राम तो जाहिर है कुछ सालों से हमें परमिशन लेनी पड़ रही है पुलिस की, तो लेकिन ऐसे मामले में तो अभी तक हम लोगों को परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन दो हफ्ते इन्होंने कुछ भी नहीं कहा हमसे, कहा कि सब ठीक है। एक दिन पहले गांधी पीस फाउंडेशन को पुलिस ने ये कुछ बातचीत की और गांधी पीस फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजर्स ने हमें बताया कि पुलिस ने कहा है कि ये कैंसिल कर दिया जाए प्रोग्राम। और ये जानकारी हमें सेम डे 15 को 12 बजे मिली, तो हम लोगों को बता भी नहीं, मतलब अगर हम कुछ स्टेप्स लेना चाहते, जैसे हमें पहले मालूम पड़ा था कि इसके एक हफ्ते पहले के करीब एक और कार्यक्रम के मामले में पुलिस ने दखलंदाजी की थी। वो था एक भारत बचाओ नाम का एक कार्यक्रम हो रहा था सुरजीत भवन में, दो दिन का कार्यक्रम था, उसके लिए सारी परमिशन मिल चुकी थी, एक महीने पहले परमिशन मिल चुकी थी, लेकिन पुलिस ने लास्ट मिनट पे उनको कुछ ऑर्डर दिया कि आप इसको कैंसिल कीजिए। तो वहां के ऑर्गेनाइजर्स तुरंत कोर्ट में भाग के गए और उन्होंने कोर्ट से एक ऑर्डर ले लिया कि ये प्रोग्राम की परमिशन कोर्ट दे रही है और वो पुलिस का कैंसिलेशन ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया कोर्ट ने, बशर्ते के ऑर्गेनाइजर्स के नाम वगैरह डिटेल सब दे दिया जाए, जिसमें कभी किसी को इतराज था ही नहीं, कोई भी इसमें छिपी बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को वो समय भी नहीं दिया गया, हालांकि मेरा मानना है कि सारे लोग कोर्ट में नहीं भाग सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही शूस्ट्रिंग बजट पे ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह काम करते हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं कि वो भाग के कोर्ट में जा पाए हर बार। तो फिर भी एक मौका मिल जाता कि हम कोशिश करते, लेकिन वो भी नहीं मिला। और बल्कि कुछ स्पीकर्स तो पहुंच गए वहां पे गांधी पीस फाउंडेशन में, और भी बड़े सीनियर लोग पहुंच गए जो आना चाह रहे थे, और वहां पे देखा कि पूरी घेराबंदी है पुलिस की, पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया इन्होंने, जो नॉर्मल जो एक्टिविटी होती है कि अंदर जाके किसी से मिलना हो वो भी नहीं अलाउ कर रहे थे, पता नहीं जैसे कि क्या होने जा रहा था। तो इस तरह की सीज मेंटालिटी, हम तो कभी उम्मीद नहीं करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट में आप एक इशू पे डिस्कशन भी नहीं अलाउ करेंगे। ये सिर्फ बातचीत करने जा रहे थे वहां पे लोग, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं था और कोई भी अनोनिमस ग्रुप इसमें नहीं है, ये एकदम झूठी बात लिखी थी इसमें नोटिस में, शायद आपने नोटिस देखा होगा। जी, जी, मैंने देखा, वो SHO ने जो नोटिस भेजा उसमें अनोनिमस ग्रुप ऐसे बिल्कुल ऐसे बताने की कोशिश की गई कि जैसे बिल्कुल कोई अनजान कुछ लोग हैं जो अचानक यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, वो बहुत ही एक तरह से बात है। जी जी, है कि ये दूसरे वाले कार्यक्रम में भी इन्होंने ऐसा ही एक नोटिस भेजा था, मैंने वो नोटिस देखा नहीं लेकिन वो भी ऐसा मिलता जुलता था। वो तो खैर बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 2000 से कम 2000 लोग तो मैंने खुद वहां पे देखे, पूरा भरा हुआ था ऊपर भी नीचे भी, और डिफीट फैशिज्म उसमें एक जो स्लोगन था वो भी उसमें चला था, हो सकता है उससे एतराज किया हो उन्होंने, यानी कि फैशिज्म अगर हराना है या फैशिज्म को समझना है तो वो नहीं चाहते कि उस पर बातचीत हो। लेकिन आप देखेंगे अजीब बात यह है कि कुछ ही दिन पहले, कुछ महीने पहले और बार बार लगातार ऐसे कार्यक्रम जो वाकई में हेट स्पीच के बारे में, हमारे संविधान के खिलाफ है, संविधान की कॉपीज जलाई जाती हैं खुलेआम, इन चीजों के लिए कोई रोक नहीं है। तो हमारे देश में ये क्या हो रहा है, क्यों लोगों की आवाज दबाई जा रही है, क्या क्या लोगों लगेगा कश्मीर के लोगों को और सारे हिंदुस्तान के लोगों को कि हमें अपनी आवाज उठाने की, हमें कोई भी इशू डिस्कस करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि यूनिवर्सिटी में ऐसे मामलों में पहले भी, पहले एक ग्रुप जो है ABVP जो इनका संगठन है, छात्र संगठन, वो जाके कुछ गुंडागर्दी कहता करता है, अगर उनको कोई सेमिनार का टॉपिक पसंद नहीं आया या उनको लगा कि कोई ऐसा स्पीकर आ रहा है जो वो जिनको वो पसंद नहीं करते, तो वो पहले गुंडागर्दी करते हैं, फिर पुलिस आके कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने वाला है तो आप ये सेमिनार कैंसिल कर दीजिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा हुआ है, हाल में हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी में
बड़े एमिनेंट स्पीकर्स जा रहे थे, प्रोफेसर पूर्वानंद हमारे यूनिवर्सिटी से और भी प्रोफेसर गौहर रजा जो एमिनेंट पोएट हैं, इन लोगों के नाम पे एतराज करके पुलिस ने उस यूनिवर्सिटी का एक एडवर्टाइज्ड सेमिनार कैंसिल करवा दिया। इस तरह से और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज में और हमारी यूनिवर्सिटी में पहले से सेल्फ सेंसरशिप प्रैक्टिस होती है कि नहीं नहीं भाई, ये संविधान के ऊपर कार्यक्रम नहीं करेंगे, सेक्युलरिज्म के ऊपर कार्यक्रम नहीं करेंगे, फैशिज्म को समझने की कोशिश हम नहीं करेंगे। अगर फैशिज्म के बारे में कोई टीचर भी क्लास में बोलता है तो उसको केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शो कॉज नोटिस मिलती है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। आप देखिए कि हमारे देश में इनके बारे में बात करना गुनाह हो गया है, और उल्टा नफरत फैलाना, हिंसा की कॉल देना खुलेआम एक पूरा नॉर्मल एक्टिविटी मानी जाने लगी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है, और एज अ टीचर ऑफ 40 इयर्स स्टैंडिंग आई फील वेरी यू नो अनहैप्पी कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे बच्चों को किस तरह की हम तालीम दे रहे हैं या तालीम मिलने से हम रोक रहे हैं। अच्छा, कश्मीर के इशू पर मैं वापस आना चाहता हूँ। जब अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया तो उसके बाद जो वहाँ के लोगों ने एक तरह से सेल्फ रेस्ट्रिक्शन अपने ऊपर लगाई और ऑलमोस्ट जो 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 बंद उन्होंने रखा, उसके बाद अब तक भी वो नॉर्मल हालत अब तक नजर नहीं आती। मैं भी कई बार इंटरव्यू के लिए कई अलग अलग जर्नलिस्ट को श्रीनगर में कॉन्टैक्ट करता हूँ तो अक्सर लोग जो है वो बात करने से बचते हैं, ये मेरा अपना भी तजुर्बा है। और अगर कोई बात करता है तो वो हम भी थोड़ा सा फिर रिलैक्स रख करके ही बात करना चाहते हैं कि जितना वो बोल सकें उतना बोलें कम से कम। तो ये अभी इसका नतीजा क्या होगा? बहुत से लोगों का कहना है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने से जो भारत और कश्मीर का जो रिश्ता था संवैधानिक तौर पर, वो एक तरह से कमजोर हुआ है। तो इस कमजोरी को लाने के लिए भी यही जिम्मेदार है, और इसको एक तरह से अपनी जीत और कामयाबी और विक्ट्री के तौर पर पेश करते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इनके नजरिए में ही कुछ प्रॉब्लम है कि अगर आप अपने देश को एक जमीन का टुकड़ा मानते हैं और उस जमीन पे रहने वाले लोगों को इरेलीवेंट समझते हैं कि वो आपका देश नहीं है, मेरे लिए तो मेरा देश है उसके लोग, उसके हर इंसान जो उस बाउंड्री के अंदर रहता है वो मेरा देशवासी है, वो मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे अपने लोग हैं, और यहाँ पे प्लोरल जो एक हमारी कल्चरल हेरिटेज रही है कि एक अंडरस्टैंडिंग रही है अलग अलग कम्युनिटीज, रीजन्स और अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ मिलके यहाँ रहेंगे, एक हमारी समझ बनी है और मिलके हम लोगों ने आज़ादी अपने लिए हासिल की थी, अंग्रेजों को हुकूमत को हराया था और अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन दिया था जो सबके लिए था। इट वॉज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑफ अ यूनियन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, अपने अपने अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के साथ वो एक साथ थे। लेकिन हमारे कुछ जो अभी जो रूलिंग में हैं, इनका नजरिया ऐसा है कि कश्मीर फॉर एग्जाम्पल एक जमीन का टुकड़ा है जो बस हमारा हक है कि हम उस पर राज करें, लेकिन उसके लोगों से हमें कुछ नहीं पूछना है। देखिए, एक मुस्लिम मेजोरिटी हिस्सा अगर पार्टीशन के टाइम पे हमारे साथ आया तो वो अपनी मर्जी से आया। मर्जी क्या थी? उनके लीडर्स की मर्जी थी, उन्होंने एक इस कंडीशन पे वो हमारे साथ आए कि उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा और एक लिमिटेड टाइम के अंदर वहां पे एक प्लेबिसिट होगा कि वहां के लोगों से इसका एक एफर्मेशन या कॉन्फर्मेशन हो जाए कि हम हिंदुस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं। और हिंदुस्तान के साथ क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, हमारे लीडर सेक्युलर है, हमारे हम यहाँ पे ज्यादा महफूज रहेंगे बजाय कि एक रिलीजन से डोमिनेटेड एक थियोक्रेटिक स्टेट जिसको शायद कुछ लोग मान रहे थे कि पाकिस्तान वैसा होगा और बन भी गया बाद में, तो इसके बजाय हम यहाँ पे जाना पसंद करेंगे। उनके लीडर जैसे शेख अब्दुल्ला हैं और भी लोग हैं, उन्होंने यही चाहा कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना पसंद करेंगे अपनी मर्जी से, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो क्लियरली मुस्लिम मेजोरिटी रीजन था। अगर आपने वो जो बेसिस था हमारे कनेक्शन का जो आर्टिकल 370 उसको ही खत्म कर दिया तो किस हक से हम कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा है? आपने वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो ये बड़ा फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है और इसमें बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रोप्राइटीज रही हैं जो कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने ठीक से एग्जामिन नहीं किए, वो लटका दिया बिल्कुल उस मामले को, और अब पता नहीं क्या उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ इसमें अगर कहेगी तो कहेगी, क्या कहेगी, किसी को कोई
मतलब कोई एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं रही है कि क्या हो सकता है इवन फ्रॉम द जुडिशरी। तो ये जो हुआ है उसके बाद आप देखिए तुरंत अगर आपको लगता है वहां सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, आपको इतनी ज्यादा वहां पे आर्मी ट्रूप्स वगैरह लगाने की क्या जरूरत है, इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन की क्या जरूरत है, इतना आपको ब्लैकआउट करने की क्या जरूरत है, पहले इंटरनेट से आपने ब्लैकआउट इतना किया। हमारे जो स्टूडेंट्स वहां पे थे, हमारी यूनिवर्सिटी में वहां के स्टूडेंट्स भी आते थे काफी सारे, तो वो वहां पे आ नहीं पा रहे हैं, वहां से यहाँ वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो अपने माँ बाप से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और तो सिचुएशन वहां पे बिल्कुल नॉर्मल नहीं है जहां तक हमको पता चला। इवन फॉर द कश्मीरी पंडित्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, पहले तो कुछ महफूज थे, अब उनको लगता है कि अब तो हमारे साथ और ज्यादा ज्यादती हो रही है, और ज्यादा वायलेंस हो रहा है, जबकि इतनी स्ट्रांग सरकार पूरी अपनी आर्मी की ताकत के साथ वहां पे यूनियन टेरिटरी उसको बना के वहां पे पूरा कंट्रोल कर रही है। तब हमारा हाल ऐसा क्यों है, तब हमारी हिफाजत क्यों नहीं है? तो कुछ ना कुछ इसमें पॉलिटिकल एक एजेंडा लग रहा है कि एक नफरत की आग भड़कती रहे, वो जो पॉट है ना वो बॉयल करता रहे, लोग बढ़ते रहे, और हिंदुस्तान में हम बाकी हिंदुस्तान में हम उसको यूज करें एक पोलराइजेशन के लिए, हिंदुओं और मुसलमानों में एक और नफरत फैलाने का हमको मौका मिले और उसके जरिए हमको वोट मिले। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, क्योंकि ये हमको हमारी सोसाइटी को हमारे सिविलाइजेशन को पूरी तरह से खत्म कर देगा अगर इस पे रोक नहीं लगाई गई, अगर लोगों ने आंखें नहीं खोली, और खास तौर से हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने अपनी आंखें नहीं खोली कि हमारा धर्म हमको कभी भी ये नहीं सिखाता था। ये कौन लोग हैं जो हमको नफरत और हिंसा मुसलमानों के खिलाफ या ईसाइयों के खिलाफ सिखा रहे हैं, जिसमें हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारी गीता में, हमारे बाकी पुराणों में कोई इजाजत नहीं है, वहां पे इंसान और इंसान के बीच में कोई फर्क नहीं किया गया है। हमको बताया गया है कि हर इंसान में ईश्वर बराबर से विराजमान है और किसी भी के खिलाफ हिंसा नहीं होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत और भाईचारा इसकी सीख सच्चाई की हर जगह हमको दी गई है, और ये भी कहा है कि कभी भी धर्म को सियासत के लिए, व्यापार के लिए और सत्ता के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ये कहते हैं राक्षसी प्रवृत्ति होती है, इसके खिलाफ हमको मतलब सेफगार्ड अपने आप को करना चाहिए। तो इस सब के खिलाफ आप जनता को अपने ही धार्मिक वैल्यूज के खिलाफ भड़का रहे हैं, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और इंसानियत के खिलाफ भड़का रहे हैं। अगर इंसानियत ही नहीं रही तो क्या किस धर्म को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो लोगों को अपनी आंखों से पट्टी उतारनी चाहिए और समझना चाहिए कि परिवार में जो बड़े होते हैं वो सुलह जब कराते हैं तो उन बड़ों की हम इज्जत करते हैं, और जो बड़े होते हैं जो आपस में परिवार के लोगों को झगड़ा करवाते हैं तो उनकी हम इज्जत नहीं करते, उससे परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ये बात हमारे लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए कि देखिए नफरत का जो जो असर होता है समाज पर वो फिर लिमिटेड नहीं रहता, महदूद नहीं रहता। अभी हम बहुत से ऐसे वाकयात देख रहे हैं मुसलसल के बहुत से हिंदुओं को भी शिकार किया जा रहा है, और हर उन लोगों को शिकार किया जा रहा है जो बीजेपी आरएसएस के नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं। तो ये नफ़रत सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं रही, दलितों को मूछ नहीं रख सकते, घोड़े पर नहीं बैठ सकते शादी के वक्त पर, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये नफरत आखिर कहाँ ले जाएगी? ऐसी हालत में आप टीचर्स कम्युनिटी को, स्टूडेंट्स को क्या कुछ कहेंगी? चूंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो आने वाले देश का फ्यूचर हैं, उनको आप इस वक्त पे क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। बिल्कुल नहीं, मैं तो टीचर्स और स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूंगी जो हम लोग अभी भी बात रख रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी और लोगों से ज्यादा है, क्योंकि हम तालीम से जुड़े हुए हैं, हमें हमारे स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है कि एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में, एक बेहतरीन कॉलेज में पब्लिक फंड से आप पढ़ पाएं, यानी कि पब्लिक फंड जो गरीब जनता का जो पैसा है, जो वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सरकार को देते हैं जो 60% से ज्यादा है, उसके पैसे से आपको पढ़ाई में मौका मिल रहा है तो अपने देश के लिए कुछ करने के लिए। और हम टीचर्स को भी, हम भी बेनिफिशरीज हैं उस पब्लिक फंडेड एजुकेशन के, और उनसे तनख्वाह भी हम ले रहे हैं, तो हमने कितनी पूंजी कमाई है इतने सालों में, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम अपने देश के लिए कुछ करें। अगर देश की गरीब जनता के लिए हमें कुछ करना है जिनका कर्ज हमारे ऊपर है, तो हमें इस नफरत के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये नफरत लोगों को बांटने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
दुनिया भर में हर हुकूमत इस नफरत का इस्तेमाल करती है, चाहे वो वाइट सुप्रीमिस्ट हो अमेरिका में, चाहे वो और तरह के हों, रेसिस्ट लोग हों दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, या कोई भी डिक्टेटरशिप हो, वो लोगों को बांटने में कोई ना कोई नफरत का, जैसे रवांडा में इन्होंने वहां पे अल्पसंख्यकों के खिलाफ रेडियो में किस तरह से जो जिस तरह से उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, उसके बाद जेनोसाइड हुई। क्यों किया? क्योंकि वो सत्ता में बैठे रहना चाहते थे, तो लोगों को भड़का के आपस में लड़वा के, आपसे कोई सवाल फिर नहीं पूछता है, लोग आपस में लड़ते रहते हैं। ब्रिटिश ने भी ये कोशिश की बहुत ज्यादा, और थोड़ा कामयाब भी हुए कि हिंदू मुसलमानों को लड़वाना, ताकि एक आप कमजोर देश छोड़ के जाएं। तो ये काम अगर हमारे आज की सत्ता कर रही है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठाना है। यहाँ पे सब लोगों को दिख रहा है कि कुछ थोड़े से पूंजीवादियों के फायदे के लिए सारी पॉलिसीज बन रही हैं, चाहे वो फॉरेस्ट की पॉलिसीज हो, या नदियों की पॉलिसीज हो, या रोड्स की पॉलिसीज हो, आपकी इकोलॉजी को तबाह कर रही है जो, लेकिन कुछ लोग इससे पैसा बनाएंगे। इससे आपका देश तबाह होगा, आपका एनवायरनमेंट तबाह होगा, आपकी गरीबी बढ़ेगी, आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी, और थोड़े से लोग ढेर सारा पैसा कमा के वर्ल्ड के रिचेस्ट बन जाएंगे, और हमारा हाल क्या होगा? हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है? हमारे स्कूल कहाँ है? हमारे अस्पताल कहाँ है? हम कितने मंदिरों से क्या हम कर पाएंगे? आप जहाँ पे पैसा लगाना चाहिए नहीं लगा रहे हैं। तो ये सारे सवाल अगर हम चाहते हैं कि जनता पूछे, तो जनता को आपस में लड़ना बंद करना पड़ेगा, और टीचर्स और स्टूडेंट्स को इसमें अहम रोल प्ले करना है, क्यों हम एक यूनिक पोजिशन में है। हम उस जगह में है जहाँ पे एक सोसाइटी को अपने साथ डायलॉग करना सिखाया जाता है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी इस नॉलेज को, इस अंडरस्टैंडिंग को, इस क्रिटिकल एबिलिटी को शेयर करें अपने देशवासियों के साथ, ताकि उनमें भी सब जगह जागरूकता आए कि हम आपस में ना लड़ें, और जो हमारे 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 भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ हम आवाज उठाएं। ये डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है कि आप सत्ता से सवाल पूछें। अगर मीडिया के लोग नहीं पूछ रहे हैं तो मीडिया, इसका मतलब है कि काबिज हो गई है। मीडिया अगर किसी के कब्जे में है तो वो सवाल नहीं करेगी। जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे सवाल करना बहुत जरूरी है, एक हेल्दी ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारे हिंदुस्तान में परंपराएं रही हैं, ट्रेडिशन रहे हैं डेमोक्रेसी के, जो नेहरू के जमाने से एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई और काफी हद तक की, उन इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है। तो इस सब के खिलाफ अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारा हाल जर्मनी से भी ज्यादा बुरा हो जाएगा, जो 1930s में हुआ था वहां पे, और श्रीलंका की जो इकोनॉमी का हाल था उससे भी बुरा हमारा हाल होने वाला है। तो अपने ही इंटरेस्ट में हमें ये करना पड़ेगा ताकि आगे हमारे बच्चे पढ़ पाए। मैं आपको बताऊं, पूरा एजुकेशन प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें पूरा डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस है कि 50% कोर्सेज डिजिटल होंगे। सबने देखा कि डिजिटल कोर्सेज से, ऑनलाइन एजुकेशन से कोई कुछ नहीं सीखा दो साल। जो याद था, जो मालूम था बच्चों को, जो जानकारी थी वो भी चली गई। तो इतना हैंडीकैप के साथ हम काम कर रहे हैं, उसी को कुछ पूंजीवादियों का फायदा कराने के लिए। एजुकेशन पे खर्च ना हो टीचर्स पे, टीचर्स को निकाला जा रहा है, टीचर्स की तादाद कम की जा रही है, और स्टूडेंट से कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ लो, आम जनता ऑनलाइन पढ़ ले। तो ये सब जो चीजें चल रही हैं ये हमारे देश के हित में नहीं है। इससे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, गरीब जनता और गरीब हो जाएगी, और थोड़े से मुट्ठी भर अमीर जो हैं वो अपने बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भेज के पढ़ा लेंगे ताकि वो हुकूमत उनकी चलती रहे। तो ये हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, और इस संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरा हमारा सिविलाइजेशन ही क्रम्बल करने के खतरे में है। अगर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नंदिता नारायण जी, आपने हमें समय दिया, और गांधी पीस फाउंडेशन का प्रोग्राम जो कश्मीर के सिलसिले में था वो पुलिस ने कैंसिल कराया, किस तरह से कराया वो आपने बताया, और ये भी बताया कि एजुकेशन को किस तरह से किल किया जा रहा है, कोई बच्चा ना पढ़ पाए उसका इंतज़ाम कैसे किया जा रहा है, एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर और डिजिटल एजुकेशन के नाम पर किस तरह से नस्लों को तबाह करने का इंतज़ाम हो रहा है, और जो नफरत बढ़ाने का इंतज़ाम किया है वो अपनी जगह पूरी तरह से उरूज पर है। अगर इसके खिलाफ अपने देश को, संविधान को, अपने सेकुलर इथोस को बचाने के लिए अगर लोग सामने नहीं आए तो हमारी अपनी अगली नस्लें हमसे सवाल करेंगी कि आखिर हम कैसा देश छोड़ करके जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नंदिता नारायण,
आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।